आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस के बारे में। एडसेंस मोनेटाइजेशन यूट्यूब से कैसे लिंक करें और एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च कर लेना है यूट्यूब। ये देखो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जिसमें लिखा है सेंग यूट्यूब, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब ओपन होता है। YouTube ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट में खुल जाता है पेज। अगर आपका नहीं खुले तो उसमें अगर ब्राउजर्स डिफ़ॉल्ट करने के लिए बोले तो उसमें आप क्लिक करके ओके कर सकते हो, वो भी चालू हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, आपके सामने ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही एक पेज खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये फ़ोटो लगा है यहाँ पे क्लिक करना है। चलो देखते हैं, आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। जब ऐसा ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे ये क्रिएटर स्टूडियो, आपको क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करना है। हाँ जी, हमने क्लिक कर दिया, देखो अभी खुल रहा है। आपका ऐसा अकाउंट पूरा खुल जाएगा, पूरा आपके अकाउंट का नाम और सारी डिटेल्स, व्यू और सारी चीज़, सब्सक्राइब जो भी डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आपके सामने खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ चैनल पर आना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने क्लिक किया, इस चैनल पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, देखते हैं आगे। हाँ देखो, फिर ऐसा खुलेगा, ऐसा पेज आ जाएगा आपके सामने। ऐसी सारी हमने सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दिया है तो इसीलिए इसमें ऐसा दिखा रहा है अभी। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूट एंड फ्यूचर, उसके नीचे लिखा है मोनेटाइजेशन, उसके नीचे लिखा है अपलोड डिफ़ॉल्ट, उसके नीचे लिखा है ब्रांडिंग एडवांसेड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोनेटाइजेशन पे। ये देखिए ये जहाँ पे मैंने टैप किया, ये हाँ, तो हमने मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया। अभी देखते हैं खुल रहा है पेज। हाँ ये देखिए खुल गया आपके सामने ऐसा। जब आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा सामने डिस्प्ले पे। फिर आपके सामने ऑप्शन आएंगे ये तीन, ये जो ग्रीन टिक लगा हुआ है देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म एंड एक्सेप्ट, और नीचे में एडसेंस रिक्वेस्ट मोनेटाइजेशन परफॉर्मेंस सेट। ये सबसे पहला जो है इसमें, इसको हम जैसे ही खोलेंगे ना, इसमें ऑटोमेटिक हमारा जो आईडी का लिंक होता है यूट्यूब का वो ऐड हो जाएगा, और उसमें सिर्फ आपको नाम डालना होगा ऊपर। फिर उसके बाद आपका नंबर मांगेगा और उसमें नंबर भी डालना होता है इसके अंदर ही। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करके बटन दिखाएगा, उसको स्टार्ट करोगे ना तो आपको उसमें नंबर और उसका जो लिंक होता है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका नंबर डालेगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर नीचे आ जाएगा एडसेंस रिक्वेस्ट। एडसेंस रिक्वेस्ट में आपको डालना है आपका एड्रेस, नाम, अकाउंट, पोस्ट कोड, जो भी एड्रेस है आपका पूरा, सच एड्रेस, पूरा सारा एड्रेस आप डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें दो तीन टर्म और कंडीशन होती हैं जिसमें आपको कुछ टिक जैसा होता है उस पर आपको क्लिक कर देना होता है, और उस पर सही की मार्किंग लग जाती है आपके क्लिक करने के बाद। तो वैसे जो दो तीन ऑप्शन उसमें दिखेंगे आप उनमें सब में क्लिक करना है, क्योंकि अगर वो आप कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है। और देखते हैं, इसके बाद आपके पास आ जाता है मोनेटाइजेशन। इसमें भी जो भी डिटेल्स वो मांगेगा थोड़ा बड़ा, और दो तीन टर्म और कंडीशन इसमें होती हैं जो उसमें टिक दिखाएगा, वो टिक में आपको क्लिक करना है, वो हो जाएगा आपका, मतलब मार्किंग हो जाएगा सही का मार्किंग, जो सही का मार्किंग होता है आप जानते ही होंगे, वो मार्किंग आप उसमें दिखेगा आपको तो सोच लेना ओके हो गया। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ये गेट रिव्यू आफ्टर रीचिंग, तो इसमें लिखा है 4000 वॉच घंटे कम से कम होना चाहिए, वो भी 12 महीने के अंदर, और साथ में 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके अकाउंट में ये सब होने के बाद आपको सिर्फ, और जो आगे का मोनेटाइजेशन आपका मोनेटाइजेशन बाकी है वो होने के लिए आपको ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर होना भी बहुत ज़रूरी है,
और वो भी 12 महीने के अंदर होना चाहिए। तो बस हो गया, अभी इतना करने के बाद आपको वीडियो अपलोड करना है, और वीडियो अपलोड करते रहो। जैसे ही आपका ये 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा व्यू हो जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा मोबाइल पे, और ये आपका मोनेटाइजेशन जो है वो पूरा चालू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे और सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके डैशबोर्ड है, देखो अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं, खोल रहे हैं। तो इसमें आपका कितना कितना मिनट और या तो कितने घंटे तुम्हारा वीडियो देखा गया वो भी दिखाएगा, और फिर उसके बाद दिखाएगा कितनी व्यू हैं तुम्हारे, लोगों ने कितना देखा कितने बार, और उसके बाद तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं वो भी दिखाएगा। और अगर तुम्हारा एडसेंस इस पे एक्टिवेट हो गया है, सारी शर्तें तुमने पूरी कर दी है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डॉलर दिखाया है ना, यहाँ पे पैसे ऐड होने लगेंगे। और ये यहाँ पे जब 100 रुपये ओवरऑल हो जाएंगे, 100 रुपये से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स ये मोनेटाइजेशन के द्वारा, आपके ईमेल के द्वारा वो लोग भेजेंगे, और फिर आपको उसमें अपनी सारी बैंक डिटेल्स डालना है। और जब आप बैंक डिटेल्स डालोगे तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा।